दोस्तों आप सब जानते हैं संगीत किस लिए सुना जाता है। दोस्तों आपको पता है खुश होकर लोग के साथ रहने से क्या होता है। गाइस आप सब जानते हैं कितने प्रतिशत लोग मैसेज में लिख देते हैं कह नहीं पाते हैं। गाइस आपको पता है मानव जीवन काल में किसको नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों इसके रिलेटेड 12 साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा, आप लोग सुनकर चौंक जाओगे। दोस्तों शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर दे। चलो शुरू करते हैं। नंबर वन, दोस्तों आप लोग जानते हैं एक वसत व्यक्ति किसी चीज को दैनिक आदान बनाने में लगभग 66 दिन लगता है। नंबर टू, दोस्तों आप लोग जानते हैं जिन व्यक्तियों में अपराध रोग की भावना होता है वो लोगों की भावना और चिंताओं के पहचानने में बेहतर होते हैं। नंबर थ्री गाइस, आप लोग जानते हैं लोग कभी इस बात याद नहीं रखते कि आपने उन्हें क्या कहा था, वो उस बात को याद रखते हैं उन्हें कैसा महसूस कराया था। नंबर फोर गाइस, कभी गौर फरमाइएगा कि खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाएं आंख से निकलता है। नंबर फाइव, दोस्तों आप लोग जानते हैं किसी के लिए आप अपनी फीलिंग जितना छुपाते हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर सिक्स, दोस्तों आप क्या जानते हैं मानव सब वही है कि वो उन लोगों को नजरअंदाज करने में लगते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं और अधिक ध्यान देते हैं जो उनके उपेक्षा करते हैं। नंबर सेवन गाइस, आप लोग जानते हैं ईमानदार होने से अधिक दोस्त नहीं बनते लेकिन जो बनते हैं विपक्ष के दोस्त होते हैं। नंबर एट गाइस, आप लोग जानते हैं लगभग 90% लोग अपने पत्र या मैसेज बातें लिख देते हैं जो कह नहीं पाते। नंबर नाइन, दोस्तों आप लोग जानते हैं स्मार्ट लोग अक्सर खुद को कम मानते हैं और अज्ञानिक लोग सोचते हैं वो उत्कृष्ट है। नंबर टेन, दोस्तों आप लोग जानते होंगे खुश होकर लोग के साथ रहने से खुशी मिलती है, इसीलिए लोग खुशगवार लोग के साथ रहना पसंद करते हैं। नंबर 11 गाइस, आप लोग जानते हैं दुनिया के 60% लोग अपनी नकारात्मक भावना से छुटकारा पाने के लिए संगीत सुनते हैं। नंबर 12 गाइस, आप लोग जानते हैं यदि आप अपने पसंदीदा गीत का अलार्म बनाते हैं तो कुछ दिनों में उसे ना पसंद करने लगते हैं। गाइस ये फैक्ट सुनकर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर ऑन कर देना।